Now coming to the next question, which is question number 23. And as you can see, हमने यहाँ पे section number D start करा है. And अब यहाँ पे जितने भी section D के question होंगे, we have 4 questions. And वो सारे questions 4 marks के होते हैं. Okay? So question number 23 says, multiply 3A plus 3B by 2A minus 2B. Verify the result for A equals to 2 and B equals to minus 2. सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसके बाद हमें जो ये है इसमें हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे और जो हमने आंसर निकाला होगा उसमें वैल्यू पुट करके वेरीफाई करेंगे कि सेम आता है या नहीं. सबसे पहले करना है मल्टीप्लाई. सो वी हैव 3a प्लस 3b एंड इसको मल्टीप्लाई करना है 2a माइनस 2b से. तो अब हमें यहाँ पे पता है जब ऐसी मल्टीप्लीकेशन होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला वाला जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से दूसरे वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से करते हैं. सो बिगिन करते हैं हम सबसे पहले 3a से. सो 3a को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2a से. 3 इंटू 2 इज 6 और a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर. ओके, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है 2b से. तो 3 इंटू 2 इज 6ab. तो ab दोनों आ जाएंगे एंड प्लस माइनस माइनस. ओके, देन 3b को इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है. 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 टू 6, b और a दोनों है तो फिर से ab लिख देते हैं प्लस प्लस प्लस. देन 3 को 2 से करेंगे, 3 इंटू 2 इज 6, b इंटू b इज b स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस. ओके, सो अब यहाँ पे एक हमारे पास आ गया माइनस 6ab और एक आ गया प्लस 6ab, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो हमारे पास बचा 6a स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर, दोनों में 6 कॉमन है तो अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया है 6a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब हमें करना है वेरीफाई. तो वेरीफाई करने के लिए देखो हमें a और b की वैल्यूज दे रखी है. पहले हम जो हमें गिवन था उसमें देखते हैं क्या आंसर आते हैं, फिर देखेंगे जो हमने फाइंड किया है क्या दोनों के आंसर्स सेम है. सो हमारे पास है 3a प्लस 3b एंड इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 2a माइनस 2b से. तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं a और b की. सो दिस विल बी 3a हो जाएगा 2 प्लस 3, b हो जाएगा माइनस 2, देन 2a हो जाएगा 2 माइनस 2, b हो जाएगा माइनस 2. सो 3 टू 6 प्लस 3 टू 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो इनके बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस का. एंड देन 2 टू 4, 2 टू 4 माइनस माइनस प्लस. सो ये आ गया 6 माइनस 6 0 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 इन 4 प्लस 4 इज 8, 0 इंटू 8 इज 0. तो हमारे पास क्या आंसर आया, 0. तो अब हमें देखना है जो हमने फाइंड किया था क्या उसमें भी 0 आता है, लेट्स सी. तो हमने कहा था इसको मल्टीप्लाई करके आता है 6 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए और बी की वैल्यूज पुट करते हैं. वी हैव 6 ए है 2, सो 2 का स्क्वायर माइनस बी है माइनस 2 का स्क्वायर, राइट. सो ये आ गया 6, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 टू 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 4. सो हमारे पास क्या आया, 6 एंड 4 माइनस 4 इज 0, सो 6 इंटू 0 इज 0. सो देयरफॉर इनको मल्टीप्लाई करके भी 0 आ रहे वैल्यूज पुट करने पे, मतलब अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे और जो हमने आंसर निकाला था उसमें वैल्यू पुट करके भी 0 आ रहा है. सो देयरफॉर ये हमने वेरीफाई किया है कि दोनों से आंसर सेम आ रहा है, मींस हमने मल्टीप्लाई किया है, दैट इज करेक्ट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.